हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है टेक एजुकेशन की न्यू वीडियो में। और आज आपके लिए मैं HTML की सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 3 में बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीन पार्ट्स में HTML के बना चुका हूँ। ये हमारी HTML की सीरीज़ का पार्ट 4 है और आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह ये यहाँ पे टेक एजुकेशन ऊपर लिखा हुआ है, जो ब्लर ब्लिंकिंग कर रहा है। यहाँ पे एक नीचे आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, आई लव माई इंडिया के नाम से वो हो रहा है। और आप मिक्की माउस को देख सकते हैं, वो कैसे नाच रहा है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो किस तरह बनाया है, ये कोडिंग के थ्रू किस तरह बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, यही फुल कोडिंग, यही पूरी कोडिंग आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, अब मैं काम करता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा मिटा देता हूँ अच्छी तरीके से। मैं इसको यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज, और ये इस नाम से मेरा है टेक एजुकेशन के नाम से। मैं ओपन विद यहाँ पे नोट पैड करता हूँ, यहाँ पे नोट पैड खोला और ये पूरी कोडिंग में आपको कोडिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरी कोडिंग है। ज़्यादा आपको टफ लग रही होगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी कोडिंग है, बहुत ज़्यादा। कंट्रोल ए एंड डिलीट, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए डिलीट कर दिया एंड देन कंट्रोल एस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम यही पूरी सेम टू सेम कोडिंग करना चाहते हैं, तो अब हम नोट पैड पर आते हैं और फिर दोबारा करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है HTML टाइटल, टाइटल क्लोज, देन बी टैग एंड देन आई टैग। ये सब के बारे में मैं आपको पार्ट 3 में बचा चुका हूँ सारा। देन HR कलर, रेड। एंड HR क्या होता है? HR हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रो, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं HR को। देन आफ्टर मैं क्लिक करूँगा एंटर, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू विच फॉन्ट फेस यू वॉन्ट, आपको कौन सा फॉन्ट फेस चाहिए। तो मैं सिंपली फॉर्मेट पे आके फॉन्ट पे जाऊंगा, देन अगर आप मेरी सजेशन ले तो आप ये वाला फॉन्ट ले तो ज्यादा बेहतरीन होगा। एड वेडियन स्क्रिप्ट ITC, ये आप लीजिए एंड देन मैं यहाँ पे यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा, क्रॉस कर दूंगा एंड देन यहाँ पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी को यूज करके मैं आपको पेस्ट कर दूंगा। देन मैं कलर यहाँ पे रखना चाहता हूँ अपना वाइट, मैं यहाँ पे अपना कलर क्या रखना चाहता हूँ, वाइट रखना चाहता हूँ और साइज रखना चाहता हूँ 100। साइज में यहाँ पे क्या रखना चाहता हूँ, 100 अपना साइज रखना चाहता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा मार्क्यू बीजी कलर इज इक्वल्स टू विच कलर यू वॉन्ट, मैं यहाँ पे डालूंगा मार्क्यू बीजी कलर इज टू की यानी कि ब्लैक कलर। ये HTML के अंदर ऐसा कलर का नाम है, सबका अपना अपना नाम होता है। देन यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल्स टू विच टाइप ऑफ स्क्रॉल अमाउंट यू वॉन्ट, तो यहाँ पे मैं स्पीड रखना चाहता हूँ 4550 स्क्रॉल अमाउंट, इसे ही बोलते हैं। यानी ये जो मार्क्यू जो हमारा होता है, ये हमारा मार्क्यू होता है, ये स्क्रॉल अमाउंट इसका एक एट्रीब्यूट है, यानी ये हमारा टैग है और ये हमारा एट्रीब्यूट है, यानी ये मार्क्यू के लिए ये काम करता है स्क्रॉल अमाउंट, मार्क्यू के लिए। यानी स्क्रॉल अमाउंट 4550, अब ये 4550 क्या है, 4550 स्पीड है इसकी। एंड देन मैं यहाँ पे डालूंगा हेड, अब आप हेड क्या डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अपना हेड डालना चाहता हूँ मेरा ये हेड रखना चाहता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ।
यहाँ पे हेड को मैंने क्लोज कर दिया, देन उसके बाद मैं दोबारा एंटर दबाऊंगा और सामने कौन कौन सा बी एंड आई, तो मैं यहाँ पे बी को क्या कर दूंगा क्लोज कर दूंगा एंड देन आई को भी यहाँ पे क्या कर दूंगा क्लोज कर दूंगा। बी एंड आई को मैंने यहाँ पे परफेक्टली क्लोज कर दिया है और देन मैं यहाँ पे मार्क्यू को भी क्लोज कर दूंगा। मैंने मार्क्यू को भी क्लोज कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पे फोन को भी क्लोज कर दिया। क्लोज्ड परफेक्टली, पूरा क्लोज हमारा हो चुका है। देन मैं यहाँ पे डालूंगा एच आर, एच आर कलर इज इक्वल्स टू व्हाट, रेड। मैं एच आर कलर क्या चाहता हूँ, रेड चाहता हूँ एंड देन साइज मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ 5 चाहता हूँ। अब मैं इसको पहले आपको सेव करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ अपने और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इस तरह यहाँ पे बन चुका है। आप चाहे तो और कुछ भी लिख सकते हैं, ये शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वेलकम टू दिस चैनल लिखाइए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो गाइस एंड देन मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हो आप हेलो गाइस के नाम से ये यहाँ पे आ रहा है। आप इसको अच्छे से दिखाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी जगह और कुछ भी लिख सकता हूँ, सब्सक्राइब टेक एजुकेशन। ये देखिए सब्सक्राइब टेक एजुकेशन के नाम से ये आ रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देन यहाँ पे मैं प्लीज़ एंटर दबाऊंगा। देन यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ बॉडी बैकग्राउंड। अब ये बॉडी बैकग्राउंड क्या है, बॉडी बैकग्राउंड यानी कि हम अपना खुद का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, यानी हम लगाना चाहते हैं वेब पेज के अंदर जो भी आप चाहते हैं। मैं बेसिकली एक इमेज चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं ये वाला इमेज चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ओपन विद गूगल क्रोम करूँगा। आपको यही करना है, इमेज लाए गूगल क्रोम करना है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है इसको यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है और फिर दोबारा नोट पैड पे आने का कंट्रोल वी कर देना है और फिर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद कंट्रोल एस आप दबाइएगा और दोबारा अपने यहाँ पे जाइएगा जहाँ पे आप थी, उसके बाद मैं आपको मारूंगा रिफ्रेश, तो ये इस तरह का बैकग्राउंड पीछे आ जाएगा। अगर आप बीजी कलर यूज करेंगे तो भी आपका कलर आएगा और अगर आप बॉडी बैकग्राउंड यूज करेंगे तो आपका आएगा इमेज। देन हम दोबारा जाते हैं कोडिंग पे एंड यहाँ पे सिंपली हम करते हैं फिर फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू विच फॉन्ट फेस यू वॉन्ट। मैं चिलर चाहता हूँ, विच फॉन्ट फेस यू वॉन्ट, और यहाँ पे मैं कलर रखना चाहता हूँ येलो। यहाँ पे मैं येलो कलर रखना चाहता हूँ एंड साइज रखना चाहता हूँ 5। यहाँ पे मैं कलर येलो साइज 5 एंड देन मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब मैंने इसको क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कुछ भी पैराग्राफ डालना है, तो अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, तो हम सिंपली जाएंगे वर्ड में। हमारा भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है एमएस वर्ड, देन यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर मैं यहाँ पे डालूंगा इज़ इक्वल्स टू रेंड एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, तो ये हमारा पूरा बन के आ चुका है। इजिकल्स टू रेंड एक फॉर्मूला टाइप का है जिससे हम पैराग्राफ ला सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। मैं कंट्रोल वी कर दूंगा एंड देन एंटर क्लिक, कंट्रोल वी एंड एंटर क्लिक, देन मैं यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं फिर बी आर यूज करूंगा। अब बी आर क्या है, बी आर यानी ब्रेक अ लाइन, यानी एक लाइन को ब्रेक कर देना, यानी स्पेस छोड़ देना, बी आर का मतलब ये होता है। फिर मैं कंट्रोल एस यहाँ कर दूंगा एंड देन सिंपली मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, तो आप ये देख सकते हैं वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल, ये देखिए ये इस तरह का यहाँ पे आ चुका है अच्छी तरीके से पैराग्राफ। अब देन मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा अपने नोट पैड पे और बी आर डालने के बाद फिर मैं एंटर दबाऊंगा एंड देन मैं फिर लूंगा फॉन्ट फेस। यहाँ पे मैंने लिया फॉन्ट फेस
फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू विच फॉन्ट फेस, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ एरो, फॉन्ट फेस क्या रहना चाहता हूँ एरो, एंड कलर क्या रहना लेना चाहता हूँ वाइट, ओके यहाँ पे मैं क्या लेना चाहता हूँ वाइट कलर, में यहाँ पे वाइट लेना चाहता हूँ। कलर वाइट लेने के बाद मैं यहाँ पे साइज भी आप क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं साइज चाहता हूँ 5। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल है वेब पेज को बनाने का थ्रू HTML, HTML के थ्रू वेब पेज को बनाने का ये एक आसान सा तरीका है। देन मैं दोबारा यहाँ पे एंटर मारूंगा एंड देन मैं यहाँ पे करूँगा मार्क्यू, दोबारा मार्क्यू बीजी कलर विच कलर विच कलर यू वॉन्ट, मैं सिंपली यहाँ पे की यानी ब्लैक कलर लेना चाहता हूँ। बिहेवियर बिहेवियर कौन सा बिहेवियर यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है वो कौन सा चाहते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑल्टरनेट, मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट बिहेवियर चाहता हूँ। और स्क्रॉल अमाउंट एंड यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट मैं कितना चाहता हूँ 50 यानी 50 एंड देन मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। सिंपली मैं दोबारा एंटर दबाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा टेक एजुकेशन, यहाँ पे मैं टेक एजुकेशन लिखना चाहता हूँ। देन मार्क्यू को क्लोज कर दूंगा, मार्क्यू को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करूंगा, दोबारा फोन को क्लोज कर दूंगा। देन मैं दोबारा एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे दोबारा एंटर दबाने के फिर मैं डालूंगा मार्क्यू डायरेक्शन, यहाँ पे मैं दोबारा मार्क्यू लिखूंगा मार्क्यू डायरेक्शन, मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल्स टू कौन सी डायरेक्शन आप लेना चाहते हैं, इसमें मैं लेना चाहता हूँ राइट। मार्क्यू डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए हमारी, राइट होनी चाहिए। देन मैं यहाँ पे दोबारा डालूंगा IMG यानी इमेज IMG और SRC इज इक्वल्स टू विच इमेज यू वॉन्ट, मैं बेसिकली ये वाली इमेज चाहता हूँ, ये वाली, यहाँ पे मैं ओपन विथ करूँगा इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, मैं एक्सप्लोरर पे गए और आपने यहाँ पे दोबारा क्या करा इसको कॉपी कर लिया। अब आपने इसको कॉपी किया, दोबारा नोट पैड पे गए एंड देन यहाँ पे हमने कंट्रोल भी कर दिया और मैं यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। लेकिन अगर आप इसका साइज भी डालना चाहते हैं तो आप साइज भी डाल सकते हैं। बेसिकली मैं विड्थ और हाइट यानी विड्थ यानी आपकी चौड़ाई और हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे विड्थ रखना चाहता हूँ 200 और हाइट रखना चाहता हूँ 200 यानी एक तरह का स्क्वायर बनाना चाहता हूँ 200 एंड देन यहाँ पे आपको मार्क्यू को सिंपली क्लोज कर देना, मार्क्यू को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है एंड देन यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। मैं बताता हूँ हमने कितना कर चुका है, कंट्रोल एस करेंगे हम दोबारा, फिर जाएंगे हम इस पे और देन यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखिए ये जिस तरह ये चल रहा है आप देख सकते हैं इसको मिक्की माउस को ये किस तरह चल रहा है और ये टेक एजुकेशन को भी आप देख सकते हैं ये देखिए। देन हम दोबारा जाएंगे नोट पैड पे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद फिर हम जाएंगे फॉन्ट फेस, दोबारा हम यह कोडिंग इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू विच फॉन्ट फेस यू वॉन्ट, आई वॉन्ट एरो, मैं यहाँ पे एरो चाहता हूँ एंड कलर कौन सा चाहता हूँ मैं, कलर यहाँ पे चाहता हूँ मैं वाइट, कलर में यहाँ पे वाइट चाहता हूँ एंड साइज कितना चाहता हूँ मैं, साइज चाहता हूँ मैं यहाँ पे 5 साइज चाहता हूँ। देन एंटर, देन मैं दोबारा एंटर करूँगा देन फिर मैं यहाँ पे लाऊंगा मार्क्यू, मार्क्यू बीजी कलर इज इक्वल्स टू विच बीजी कलर यू वॉन्ट की, सिंपल की हम यहाँ पे यानी ब्लैक कलर लेना चाहेंगे। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उसकी, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू विच डायरेक्शन यू वॉन्ट, डायरेक्शन लेना चाहेंगे लेफ्ट, डायरेक्शन हम यहाँ पे लेफ्ट ले लेंगे और यहाँ पे दोबारा लिख देंगे टेक एजुकेशन, यहाँ पे देन गाइस हमने टेक एजुकेशन लिख चुका है। और उसके बाद टेक एजुकेशन लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर दूंगा,
मार्क्यू को क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैंने फोन का भी यूज़ किया था, तो मैं फोन को भी क्लोज कर दूँगा। फोन को क्लोज करने के बाद मैं दोबारा दबाऊँगा एंटर, एंटर दबाने के फिर मैं दोबारा कर डालूँगा फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू, आप कौन सा फॉन्ट फेस चाहते हैं, मैं चाहता हूँ एरो, वही दोबारा एरो। एंड देन मैं यहाँ पे कलर चाहता हूँ कलर यहाँ पे चाहता हूँ वाइट, एंड साइज चाहता हूँ मैं यहाँ पे 5, यहाँ पे मैं साइज 5 चाहता हूँ। साइज 5 पाने के बाद मैं यहाँ पे मार्क टू डायरेक्शन दोबारा करूँगा, डाउन मार्क टू डायरेक्शन में यहाँ पे डाउन कर दूंगा, दोबारा एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा टेक एजुकेशन। टेक एजुकेशन डालने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मार्क्यू को क्लोज कर दूंगा, मार्क्यू को यहाँ से क्लोज किया एंड देन यहाँ पे फॉन्ट को भी क्लोज किया। देन मैं दोबारा यहाँ पे एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे फिर मैं डालूंगा बी आर, यानी ब्रेक अ लाइन, बी आर। देन यहाँ पे मैं दोबारा डालूंगा बी आर डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे डालूंगा फॉन्ट फेस दोबारा, फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू विच फॉन्ट फेस यू वॉन्ट, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट फेस डालना चाहूंगा एरो, कलर डालना चाहूंगा यहाँ पे मैं व्हाइट कलर डालना चाहता हूँ, और साइज डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे 5, यहाँ पे मैंने 5 क्या कर दिया, साइज कर दिया। देन मैं यहाँ पे दोबारा डालूंगा मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल्स टू विच मार्क्यू डायरेक्शन यू वॉन्ट, तो मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा अप, मार्क्यू डायरेक्शन कौन सा चाहता हूँ मैं अप चाहता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ दोबारा टेक एजुकेशन, टेक एजुकेशन डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर दूंगा, मार्क्यू को यहाँ पे मैंने क्लोज किया एंड देन फोन को भी यहाँ पे क्लोज किया, फोन को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैं दोबारा बॉडी को क्लोज कर दूंगा और HTML को क्लोज कर दूंगा। हमने इसलिए किया क्योंकि हमने जब ऊपर देखा था, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा HTML खुला हुआ है, ओपन टैग, ये ओपन और क्लोजिंग दोनों टैग है, तो ये ओपन है लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको क्लोज कर दिया। और जब हमने बॉडी का यूज़ किया तो ये भी ओपन और क्लोजिंग दोनों टैग है, तो इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये कोडिंग हो चुकी है हमारी पूरी खत्म। मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं डालू रिफ्रेश, तो ये इस तरह का यहाँ पे बन चुका है। इसी तरह ही हमारी जो हमने आपको दिखाया था वेब पेज, उसी तरह ही ये था और ये पूरा हमारा बन चुका है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर आपसे स्कूल में या कहीं भी आपसे बोल दिया जाए कि भाई एक वेब पेज बना के दिखा दो थ्रू HTML, तो आप इस कोडिंग का जो मैंने आपको बताई है अभी, ये वाली कोडिंग जो मैंने अभी आपको बताई है, ये वाली, इसको आप यूज़ करके आराम से बहुत ही इजीली तरीके से आप देख सकते हैं।